एकदम खिला खिला वेजिटेबल दलिया उपमा। आप देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल इसमें अलग हो रहा है और बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे ब्रेकफास्ट, स्नैक्स किसी में भी ले सकते हैं। वेट लॉस में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसे खाएंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है और बहुत ही यमी बनता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसे यूज़ करके आप बिल्कुल सेम ऐसा ही खिला खिला दलिया उपमा बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। सो हे फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कुकर में एक बड़ा चम्मच घी का ऐड किया है। इसमें हम एक चम्मच ऐड करेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हींग ऐड करी है और आधा चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ऐड करी है। अब मैं इसमें एक कप दलिया ऐड करूंगी और इसे अच्छे से हमें भूनना है 7 से 8 मिनट तक, वो भी लो फ्लेम पर। हमें दलिये को बहुत ही अच्छे से भूनना है और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से एक अरोमा नहीं आ जाता, ये एरोमेटिक नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैं इसे धीरे धीरे भून रही हूँ। इससे जो है दलिया बिल्कुल खिला खिला बनेगा, दाना दाना अलग हो जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। ऑल वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा दलिया है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, एरोमा भी इसमें से आने लग गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेम कप से 2 कप पानी। जो रेशो है वो 1:2 का होना चाहिए। अब इसमें हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, इसे मिला लेते हैं। अब हम इसका लिड लगा देंगे और 2 विसल आने तक पकाएंगे। लेकिन यहाँ पे टिप एक है कि आपको इसे लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। तो यहाँ पे जब 2 विसल्स आ जाएंगे इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। अब आप ये देखिए हमारा जो दलिया है वो एकदम खिला खिला बिल्कुल पक गया है। तो अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड किया है। इसमें मैं थोड़ी सी कच्ची मूँगफली ऐड करूँगी, साथ में थोड़े से काजू ऐड करूँगी। इसे हम थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक थोड़ा भूनेंगे और इसके बाद इसे हम एक प्लेट में रिमूव कर लेंगे। इसे ऐड करने से इसमें एक क्रंच आता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे मैं रिमूव कर लेती हूँ। ये क्रंची हो गए हैं। अब सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियंस ऐड किए हैं, यानी कि प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप अपनी मतलब मनपसंद की कोई वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे चॉप्ड वेजिटेबल ऐड कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो है गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और मटर। तो इसे अच्छे से हम पका लेंगे। मैंने यहाँ पे मटर को थोड़ा पानी में उबाल लिया था, ब्लांच कर लिया था, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो सॉल्ट हमने दलिया में भी ऐड किया है तो थोड़ा ध्यान से ऐड करिएगा। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैंने 1/2 टीस्पून के करीब इसमें किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और मैंने टर्मरिक पाउडर यूज़ किया है 1/4 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारी वेजिटेबल्स है वो बनके तैयार हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दलिया को कुक करके रखा था उसे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दलिया उपमा है वो कितना यमी लग रहा है, कितना खिला खिला बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है और वेट लॉस अगर आप जर्नी पे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। अब मैंने इसके अंदर मूंगफली और काजू जो हमने भून के रखे थे, थोड़ा फ्राई करके रखे थे, वो ऐड कर दिए हैं। साथ में ऐड करेंगे कटा हुआ फ्रेश धनिया। हमारा दलिया उपमा बनके तैयार है। आप इसे दही के साथ या ऐसे ही चाय के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ।